कि आजकल जो कंटिन्यूस रेप्स हो रहे हैं लड़कियों के, इसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई तो आवाज़ उठानी चाहिए। आज हमारी लड़कियां महफूज नहीं हैं और हम अपने बच्चों को मदरसे को भेजने, कॉलेजेस को भेजने, घर से बाहर भेजने के लिए परेशान हैं। तो ऐसी सूरत में क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम सब एक जगह मिलके कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं और कुछ हम अपने बच्चों में ऐसा एक उत्साह पैदा करें कि हमारे बच्चे खौफज़दा ना हों, और जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो उन्हें भी चाहिए कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, बच्चों में, ये बच्चियों में खुसूसन ये ताकत पैदा करनी चाहिए। तो इस प्लेटफॉर्म से हम सबको ये पैगाम देना चाहते हैं कि न सिर्फ बच्चियों को पढ़ाएं बल्कि उनमें इतनी मॉरल, उनकी करेज बढ़ाएं कि जब कभी उन पर कोई बुरा वक्त आता है तो वो न सिर्फ आवाज़ उठाएं लेकिन अपनी और साथियों की भी मदद करने की फिक्र में रहें। ये नहीं कि आज किसी लड़के ने किसी लड़की को छेड़ दिया तो अगर वो लड़की बता दिए कि फलां लड़की ने मुझे छेड़ा तो उसकी इज्जत चली जाएगी, वो चुप रहेगी, आज चुप रहेगी, कल क्या होगा। हालात से मुकाबला करने की बच्चों में ताकत पैदा करनी चाहिए। पहले जैसे माँ बाप सोचते थे या वो लड़का सता रहा है तुम कॉलेज जाना बंद कर दो, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। कल बाज़ार में हम मॉल में जाते हैं, मॉल में बच्चियाँ परेशान हैं, गलियों में फिरते हैं बच्चियाँ परेशान हैं, रातों में रेप होता है क्या? रेप तो दिन दिवाले ऐसे ही दिन में उठा के ले जाते हैं बच्चियों को और उनका रेप करते हैं। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ। इधर देखिए, यहाँ करा पकड़ो। बस 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 बदर रहे बदर रहे क्या बदर रहे क्या बताएँगे जीनो अंजलि कुछ क्या मार के मेरे बाला जला देंगे तुम लोग बस जीरा करना मैडम मैडम जो जीने इस तरह ताजा जो निकाल रहा है निकाल रहा है लोगों टाइम तो खड़ा तो बच्ची का पापा हाँ अकरम भाई थोड़ा बैक आओ ये गाना ले 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 ले